ये देखो, ये सीन दिखाओ, ये देखो भाई, इसको मैं निकालता हूँ, सही है, इसको मैं निकालता हूँ, ये फिर आता है। इफ्रा ने तो जो है ना, ये देखें भाई, ग्लासेस वगैरह भी पहन लिए फुल। इफ्रा, मुझे ऐसा लग रहा है हम में से कोई भी नहीं जा रहा पाव, सिर्फ इफ्रा ही जा रही है। पूल का सीन ऑन हो गया है। अब्दुल कबीर, ये पहन लो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, वेरी गुड, वेरी गुड। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू द चैनल। भाई कैसे हैं आप लोग, खैरियत से हैं, ठीक ठाक? जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि इस वीकेंड पे हम लोग जा रहे हैं फार्म हाउस, तो मैं तैयार हो गया हूँ ऑलरेडी फार्म हाउस के लिए। लेकिन क्योंकि आप लोगों को मालूम है हर काम हम लोग 11th आवर के ऊपर करते हैं, तो मुझे बच्चों के लिए कुछ रिफ्रेशमेंट की चीजें वीजें लेनी थी, और बुराक इस दफा रास्ते में नहीं आएगा क्योंकि हम लोग ठट्टा वाले रास्ते के ऊपर जाएंगे, ठीक है? तो मैं इस वक्त बहादराबाद पे इम्तियाज पे आ गया हूँ, कुछ चीजें वीजें हल्की फुल्की बच्चों के लिए ले लेते हैं और इसके बाद फिर हम लोग निकलते हैं, सही है? घर वाले रेडी हो रहे हैं, मैंने जाना है, इनको पिक करना है, और इसके बाद आप लोगों को भी लेके चलेंगे फार्म हाउस, तैयार हो जाए। आप लोग देख सकते हैं मेरे बराबर वाली सीट के ऊपर जो है ना, काफी सारी मेडिसिन आपको नजर आ रही है। ये उन फैमिलीज की मेडिसिन होती हैं जो मतलब मंथली हम लोग जिन फैमिलीज को जो है ना मेडिसिन वगैरह पहुंचा रहे होते हैं। अल्लाह पाक सबको बीमारियों से दवाइयों से दूर रखे। चलें भाई आ जाएं। फार्म हाउस हमने खाने वाने का कोई भी सेटअप नहीं किया है, सही है, क्योंकि कैफे इमरान जो है ना करीब ही है, हमने सोचा कि खाना वाना वहीं से करेंगे सारा। भाई ने काफी टाइम बाद व्हाइट वाला अपना ट्राउजर पहना है। मेरे ख्याल से ये छोटी वाली बास्केट उठा लेते हैं, ये काफी रहेगी हमारे लिए आज, इसमें आ जाएंगी चीजें। ये भाई बास्केट पूरा लोड, इसमें ड्रिंक्स भी आ गई, कुछ चिप्स भी आ गए, बिस्किट्स भी आ गए, सब आ गया, लोड हो गया फुल। कुछ चीज़ें यहाँ से मिल गई हैं, कुछ चीज़ें और लेनी है जो बाहर से मिलेंगी। भाई अब हम घर जा रहे हैं और देखते हैं कि क्या इन लोगों की तैयारी कंप्लीट हो गई है या नहीं हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। अस्सलाम वालेकुम। अरे 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 अरे, इसको तो देखेंगे तो मोहम्मद अहमद कहाँ सो रहा है, यहीं बैठे बैठे सो गया। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हो आप, कहाँ जा रहे हो? वाह, चले भाई अब हम लोग ऑल रेडी टू गो, सही है, और बस एक दो प्लेटें थी, मैंने बोला आपका भाई धो लेता है, सही है, अब हम लोग निकल रहे हैं। अब हम लोग निकल रहे हैं, लेकिन मैं एक चीज सोच रहा हूँ यार, स्विमिंग पूल के अंदर जो है ना अब्दुल कबीर के लिए अगर कोई ट्यूब श्यूब मिल जाए ना तो ज्यादा एंजॉय कर सकेगा ये। चले रास्ते में से देख लेते हैं, अगर मिल जाएगा तो अच्छा है। बेगम ने इतना बड़ा बैग बना दिया है, लेकिन बच्चों की चीजें भी होती है भाई काफी सारी। भाई ये देखें भाई, फैमिलीज है हमारे पास माशाल्लाह काफी सारी, और मैं अपनी वाली गाड़ी में जाऊंगा, बाकी जो हमारे साथ फैमिलीज है वो इस गाड़ी में जाएंगी हाईएस्ट में। अब भाई बादराबाद पे जा रहे हैं, हो सकता है यहाँ पे अब्दुल कबीर की जो है ना स्विमिंग पूल की ट्यूब मिल जाएगी इंशाल्लाह। ये नजर आ गई हमको ट्यूब भाई, यहाँ पे नजर आ गई है। वो ये ट्यूब आपके साइज की है, हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, दोनों हाथ ऊपर करो, पूरे ऊपर करो सही से, हाँ इसमें से निकालो हाथ। वाह भाई वाह। सलाम वालेकुम इफ्रा, कैसी हो, आपकी कैट कहाँ है? हाँ चली गई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो दुआ? और यहाँ पे अलिशबा और हुरेरा, कहाँ जा रहे हो हुरेरा? हाँ जा रहे हो अलिशबा, कैसी हो आप, तैयार हो फार्म हाउस के लिए आप? इफ्रा ने तो जो है ना, ये देखें भाई, ग्लासेस वगैरह भी पहन लिए फुल। इफ्रा, मुझे ऐसा लग रहा है हम में से कोई भी नहीं जा रहा फार्म हाउस, सिर्फ इफ्रा ही जा रही है, बाकी हमारी फैमिलीज भी सारी निकल गई हैं। अब हम लोग रास्ते में अभी आए, मतलब अभी शारा फैसल पे आए, वो हाईएस्ट आगे जा रही है, क्योंकि माशाल्लाह हमारी जो है ना पांच फैमिलीज जा रही है, बनते 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 प्रोग्राम पांच फैमिलीज के ऊपर चला गया, तो पांचों फैमिलीज जा रही है, हमारी फैमिली इसके अंदर बैठी है, बाकी चार फैमिलीज उसमें बैठी है। भाई कैफे इमरान के पास से अभी हम लोग जो है ना गुजर रहे हैं, सही है, क्योंकि अपना खाने पीने का सेटअप सारा यहीं से होना है, सही है, हम लोग खाना पीना अपने साथ लेके नहीं आए हैं, ठीक है। अभी इस वक्त टाइम हो रहा है 4:48। बाय द वे, वी वर सपोज टू बी एट फार्म हाउस एट 4:00, बट हम थोड़ा सा लेट हो गए। ये देखें भाई, यहाँ से हमने जो है ना साकरो की तरफ मुड़ना है, राइट, देखो ना सामने इतने सारे फार्म हाउसेज नजर आ रहे हैं, वो देखो अब्दुल कबीर, वो देखो सामने, वाह भाई वाह, फाइनली हम पहुंचने वाले हैं। और मौसम देखें, आज मौसम भी बहुत अच्छा है, थोड़ा 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 क्लाउडी है, धूप नहीं है इतनी ज्यादा, क्या बात है, सुभान अल्लाह, यहाँ पे काफी सारे फार्म हाउसेज हैं। अब हम मेन रोड से जो है ना अंदर की तरफ एक पतला सा रोड आ रहा है, एडवेंचर की तरफ हमको लेके जा रहा है, हम टर्न हो गए हैं, सही है। फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं रॉयल फार्म्स एंड कंट्री साइड रिसोर्ट। भाई चलें अब देखते हैं क्या सीन है अंदर, आप एक्साइटेड हो? हाँ, ओपन द डोर, ये आ गया भाई। अच्छा यहाँ पे एक्चुअली एक फार्म हाउस नहीं है, यहाँ पे दो तीन है शायद, सही है, क्योंकि रिसोर्ट टाइप का बना हुआ है सीन पूरा।
अब किस लेवल का सीन है वो हम इंशाल्लाह इसको एक्सप्लोर करते हैं अंदर जाके। फार्म हाउस नंबर 3 है, ठीक है हम इसमें जा रहे हैं। भाई असल सीन जो है ना अपना यहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है ये टोटल अपना सेटअप है, टोटल सही है ना। यहाँ पे अपनी दूसरी गाड़ी भी आ जाएगी इंशाल्लाह। और ये पूल नजर आ रहा है सामने, ये पूल नजर आ रहा है भाई, बाहर निकल के दिखाता हूँ। भाई बेगम जो टॉस जीती थी ना, बेगम कैसा लगा फार्म हाउस? अभी तो बाहर का सीन है, अभी अंदर का देखते हैं क्या सीन है। सही है भाई हम अंदर जा रहे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये पहला रूम है? हाँ वाह भाई, ओके की रिपोर्ट है यार, सिर्फ सारा सीन वीन ओके। कितने रूम है भाई इसमें? 4 बेडरूम है? हाँ 4 है ना। पूल भी है, बड़ा पूल भी है। वो देखें अब्दुल कबीर तो स्लाइड्स जो है ना ऑलरेडी इंजॉय कर रहा है। चलें भाई ये लाउंज है, ओके। और यहाँ पे सोफ़ा वोफा का सीन है, यहाँ से बाहर के नज़ारे भी हैं। और यहाँ पे जो है वो एक और रूम है, ये अच्छा बड़ा रूम है यार, ज़बरदस्त। हाँ बेहतरीन, ज़बरदस्त साफ़ सुथरे वॉशरूम है। हाँ वाह भाई ये भी बड़ा रूम है यार, ये भी बड़ा रूम है। कैसा लग रहा है आप लोगों को फार्म हाउस बताइएगा ज़रूर, सही है ना। भाई सीन ये है कि फार्म हाउसेज तो बहुत सारे होते हैं लेकिन रहने के काबिल जो है ना बहुत कम होते हैं, सही है। तो मैंने यही कोशिश की कि भाई कोई ऐसा फार्म हाउस हो जिसके अंदर मतलब फैमिली के साथ ईजिली जाके आराम से रह सके। अच्छा ओके, ये चौथा रूम है, ओके भाई ये फोर्थ रूम है। इसके अंदर काफ़ी सारे मेट्रेसेस लगे हुए हैं, ठीक है यहाँ पे भी सीन है, एसी वेसी फुल लगा हुआ है। और ये इसका वॉशरूम है, सही है भाई, परफेक्ट 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 हो गया। ये भाई किचन है यहाँ पे, बर्तन वर्तन ये वो सब कुछ है। अच्छा ये यहाँ से, हाँ अच्छा ये बाहर बैठने का खाना खाने का सीन है, ज़बरदस्त डाइनिंग एरिया यहाँ पे बना हुआ है भाई। अच्छा कैफे इमरान से जो है खाना डिलीवर भी हो सकता है यहाँ पे? वाह भाई वाह। अच्छा मैं अभी तक ये सोच रहा था कि हमें कैफे इमरान खाना लेने के लिए जाना पड़ेगा, बट यहाँ पे ऐसा सीन नहीं है, यहाँ पे डिलीवर हो जाए। और ये देखें यहाँ पे कुछ इंडोर गेमिंग है, स्नूकर है और कैरम है और ये सारा सीन है। मोहम्मद अहमद तो आते के साथ ही झूले में बैठ गया है। हम एक रूम के अंदर सेटल हो गए हैं और अब फार्म हाउस आने की जो सबसे बड़ी वजह होती है वो होती है स्विमिंग पूल। तो हम लोग सबसे पहले करेंगे स्विमिंग, तो आप लोग भी रेडी हो जाएं, आपका भाई भी रेडी होके अभी आता है। बाय द वे यहाँ पे स्विमिंग के अलावा और 3-4 एक्टिविटीज भी हैं, लेकिन सारी आज थोड़ी करनी है भाई, कल भी हम लोग यहीं पे कल शाम में निकलेंगे तो थोड़ी थोड़ी करके करेंगे। भाई पूल के लिए आपका भाई रेडी हो गया है, सही है। अब्दुल कबीर की ट्यूब निकालने के लिए आया हूँ मैं, ठीक है ना। ये आ गई अब्दुल कबीर की ट्यूब, पूल का सीन ऑन हो गया है। अब्दुल कबीर ये पहन लो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, हाथ ऊपर करो, वेरी गुड वेरी गुड। अब हम लोग नीचे जा रहे हैं। इफ्रा व्हाट यू आर वेटिंग फॉर, जाओ जाओ एंजॉय करो ठंडा ठंडा पानी। अब्दुल कबीर जंप करो, ये अब्दुल कबीर अब आपने इसको हाथ से पकड़ लेना, इसको मजा आ रहा है, आपको मजा आ रहा है। चले भाई अबू जो है ना दूर दूर से बैठ के जो है ना पूल को एंजॉय कर रहे हैं, सही है। और हम लोग पूल के अंदर अभी जो है ना थोड़ा सा डुबकी शुबकी लगाएंगे। 1, 2, 3 मैं जा रहा हूँ। भाई मोहम्मद अहमद भी आ गए पूल में, मोहम्मद अहमद भी। ये देखो ये सीन दिखाओ, ये देखो भाई इसको मैं निकालता हूँ, सही है इसको मैं निकालता हूँ, ये फिर आता है। चलें भाई पूल की एक्टिविटी बहुत हो गई है, मगरिब का टाइम हो गया है, अब मगरिब की नमाज पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब हाथ गीले थे, मैंने कैमरे को भी बोला हे सिरी ओपन द कैमरा, तो सिरी ने बात मान ली वरना स्क्रीन काम नहीं करेगी। ये कौन है इफ्रा, आपको मजा आया? बहुत मजा आया, बहुत मजा आया। अब मजा कब आएगा? अभी हमने खाना मंगवाया है, सही है। कैफे इमरान से डिलीवरी होती है, आप इनको कह दें तो वो डिलीवर करवा देते हैं। उन्होंने बोला 1-1.5 घंटा लगेगा, हमने खाना वाना ऑर्डर कर दिया है। अब जब खाना आएगा ना फिर आपको सीन दिखाएंगे। सबसे पहले तो हम चेंज वेंज करें, जरा फ्रेश फ्रेश हो, इसके बाद मिलते हैं। अबू बैठे हुए हैं, बच्चों को झूले दे रहे हैं। अबू जी यार आप आए नहीं पूल में यार, क्यों? कल इंशाल्लाह ट्राई करूंगा। कल आओगे आप? इंशाल्लाह। क्या बात है भाई, कल अबू भी स्विमिंग करेंगे, अबू भी स्विमिंग करेंगे कल। एक बात बताऊं, स्विमिंग पूल से निकलने का अभी भी दिल नहीं कर रहा था, लेकिन नमाज का टाइम हो गया, नमाज पढ़नी है और इसका खाना वाना भी खाना है, तो बस अब निकलना पड़ेगा। आयशा कैसी हो आप? यार आयशा आप तो पूल में आई नहीं यार। हाँ पूल में आती तो मजा आता ना। सबसे इम्पोर्टेंट चीज फार्म हाउस वगैरह सारी चीजों के अंदर एक चीज का ध्यान रखना है, मॉस्पेल हम लोग अपने साथ लेके आए क्योंकि डेंगू बहुत फैल रहा है। आप लोग भी सब ध्यान रखें और हम लोग भी अभी सब मॉस्पेल लगा रहे हैं। ये चेक कर लें, यहाँ पे जो है ना जैसे ही हम लोग आए तो उन्होंने ये वॉकी टॉकी दे दिया
और जैसे ही कोई भी चीज़ की ज़रूरत हो आपको, कुछ भी हो, तो आपने जस्ट यहाँ पे बोलना है, क्योंकि हम लोग फार्म हाउस 3 पे हैं, तो ये भाई 3 आपको जो है वो दिखा रहे हैं, सही है। और कोई भी चीज़ की ज़रूरत है आप जस्ट इनको बोलें और फौरन रिस्पॉन्स आता है भाई, फुल इंग्लिश सीन है। अच्छा जी, मैं तो चेंज करके आ गया हूँ भाई, सही है। और यहाँ पे जो है ना फुल पार्टी हो रही है। क्या खा रही है इफ्रा? हाँ, अच्छा दलिया खा रही हो आप लोग, डाइट पे हो? बिरयानी बिरयानी नहीं खानी आप लोगों को? अच्छा एक बात होता है, कुछ चिप्स कुछ बिस्किट्स लेके आई हो आप? बहुत दिखाओ तो सही, जरा कहाँ खजाना कहाँ रखा हुआ है दिखाओ तो सही। अच्छा आऊँ आपके साथ? अच्छा भाई जाते हैं, जरा पीछे पीछे फॉलो करते हैं, देखते हैं। कहाँ लेके आई ये खजाना, मुझे दिखाओ इफ्रा, खोल के दिखाओ मुझे खजाने में क्या है। कुछ स्पाइसी सा निकालो मुझे, मुझे मेरे काम की एक चीज नजर आई है, ये मुझे यही नजर आया था भाई, ये हम नहीं लेके आए, ये इफ्रा लेके आई है, सही है। ओए होए होए, ये तो बचपन की याद ताजा हो गई, इफ्रा के बाबा लेके आए, सही है। और इफ्रा ये मैं ले लूं एक? पक्की बात है? आपके पास तो और है ना? चलो सही है भाई, ये है असल सीन खाने का। ओए होए हाथ में नहीं आ रहा, ये है भाई ये असल सीन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे चिप्स अब आजकल के भूल जाएंगे जब आप ये खा लें, है मम्मी? ऐसा ही ना, ये तो बचपन की चीज़ है। मम्मी भी पीछे खड़ी इंतजार कर रही है, ये लो भाई। अबू जी के पास से आयशा तो हट ही नहीं रही है। आयशा, अबू जी नमाज पढ़ रहे थे फिर भी अबू जी के पैरों के पास ही घूम रही है। ये चेक करें भाई, रात के टाइम पे पूल का सीन, वाह भाई वाह। और ये देखें बच्चों के लिए जो है ना फुल शावर का सीन भी है, यहाँ पे छोटा पूल बना हुआ है। हाँ इफ्रा, एक और शिफ्ट लगानी है क्या? जाने का दिल कर रहा है? हाँ देखें बच्चों का दिल कर रहा है दोबारा, बच्चे नहीं छोड़ते पूल को। मैं जा रहा हूँ भाई, गाड़ी में कुछ रिफ्रेशमेंट पड़ी हुई है, सही है। बेगम ने बोला जरा लेके आओ रिफ्रेशमेंट चाहिए। वो देखें भाई वहाँ पे हमारी गाड़ी खड़ी हुई है, सन्नाटा है इस वक्त। मुझे पता है क्या याद आ रहा है, कुछ टाइम पहले हमने सीरीज बनाई थी हॉरर सीरीज गेस्ट हाउस 1970, अगर आप लोगों ने नहीं देखी तो यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा गेस्ट हाउस 1970, वो देखिएगा। वो भी हमने एक रात को शूट की थी पूरे फार्म हाउस के ऊपर, एक फार्म हाउस बुक कराया था, तो मुझे उसकी कुछ मेमोरीज रिकॉल होने लगी हैं, सही ना, वो कुछ हॉरर सीन था। अभी फिलहाल गाड़ी में से सामान निकाल दें। और ये चुड़ैल नहीं निकलाई भाई, चीज़ ही अपनी यार। क्या है भाई, ये लिया था हमने आज, सही है। सारा सामान निकालते हैं, पानी तो है फार्म हाउस के अंदर पहले से, हमने फिर भी सेफ साइड पे पानी ले लिया था, ठीक है। किस चीज़ की आवाज़ आई? कौन है पीछे? कौन है पीछे? कोई भी नहीं। होता है इंसान के दिमाग में कुछ चल रहा हो ना, उसको फील होता है, हालांकि ऐसा कुछ नहीं होगा लेकिन इंसान को फील होता है। बहुत अच्छी खासी जगह यार इस फार्म हाउस के अंदर, देखें एक फार्म है ये और इसके अंदर भी जो है ना बड़ी अच्छी खासी जगह बनी हुई है। ये चेक करें आप, सामने झूले वगैरह बच्चों के लिए, ठीक है। ये सारा सीन है, कौन बैठा हुआ है वहाँ पे? कौन बैठा हुआ है? भूत बैठा हुआ है। तो भाई बच्चों को भी हॉरर लग गया है फुल सही। ये हमको नहीं, हमके ऊपर देख रहा था, हमके ऊपर देख रहा था। आज असल में बहुत सारी एक्टिविटीज थी करने की, जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया, लेकिन हम लोगों ने यहीं पे रात कर दी, मतलब पूल में ही रात कर दी। तो ये जो आर्चरी और शूटिंग वगैरह ये सारी चीजें जो है ना, अब हम ये कल करेंगे, सारा कुछ आज नहीं करना। आज तो अभी फिलहाल भूख लग रही है, खाना वाना खाने का सीन देखना है कि कब आएगा खाना। और इफ्रा मेरे लिए जो है ना एक और पैकेट था, वो भी लेके आ गई है। जरा हम खाने का मालूम करते, भाई खाने का क्या सीन है? अस्सलाम वालेकुम, फार्म हाउस नंबर 3 से बात कर रहा हूँ, खाना कब तक आएगा? फुल मतलब आज हम हल्के ही नहीं आ रहे, आज हम वॉकी टॉकी पे चल रहे हैं भाई, फुल व्हाट्सएप सब खत्म, आज हम फुल जो है ना ऑफिशियल चल रहे हैं। जी खाना कब तक आएगा, मैं ये पूछ रहा था। अच्छा चलें ठीक है, वेट कर रहे हैं हम इंशाल्लाह, ठीक है जी, थैंक यू। वैसे एक मजे की बात आप लोगों को बताऊं कि हम लोग बचपन में जब छोटे थे ना, उस वक्त से हम लोग प्रोग्राम बना रहे थे कि कभी फार्म हाउस जाएंगे, और आज हमारे बच्चे हो गए माशाल्लाह, अब हम अपने बच्चों को लेके आए फार्म हाउस। अभी पूरी फैमिली बैठ के यही डिस्कस करी थी कि हम अब अपने सब बच्चों के साथ हैं, बट हम जब छोटे थे ना तो हम हमेशा ख्वाहिश करते थे फार्म हाउस जाओ, लेकिन कभी मतलब बन ही नहीं पाया प्रोग्राम। क्या हुआ, क्यों रो रहे हो, क्या हुआ बताओ, क्या किया? चुप हो जाओ।
बस ऐसे जल्दी से पपी कर दो मुझे। चलो मैंने आपको पपी कर दी, हैप्पी हो गया? चलो हो गया भाई सेट। क्या सोच रहे हो अब्दुल कबीर? चले भाई चले भाई चले भाई, खाना आ गया खाना आ गया खाना आ गया खाना आ गया। देखें ये है खाना जिसका पिछली काफ़ी देर से इंतज़ार हो रहा था। ठीक है ये भी अच्छा, 3 कोल्ड ड्रिंक्स हैं ओके, और ये बिरयानी भी है इसके अंदर, सही है। हमने चिकन कढ़ाई भी मंगा ली है और दाल भी मंगा ली है। ये देखें साफ सुथरे जो है ना बर्तन भी आ गए, ठीक है ये चेक करें, साफ सुथरी जो है ना क्रॉकरी भी आ गई है, सही है बिल्कुल बेहतरीन हो गया। चेक करें, एक तो डाइनिंग एरिया बना हुआ है सही है, वो बिल्कुल बैक साइड पे बना हुआ है फार्म हाउस के, सही है। लेकिन एक जगह जो है ना यहाँ पे बड़ी जबरदस्त वाली बनी हुई है, ठीक है ना, ये आप देखें बड़ी हवा चल रही है, बड़ा वीआईपी सेटअप है और यहाँ पे बैठ के भी हम खाना खा सकते हैं। तो हमने सोचा कि यहीं पे लाइट वाली जगह पे खाना खाएंगे, सही है। चिकन कढ़ाई मंगाई है, ये देखें ये चिकन कढ़ाई है, 4 kg चिकन कढ़ाई है, 4 बिरयानियां हैं, रोटी है, दालें हैं, ये दाल भी है, दाल फ्राई, सैलड है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, ये भाई चिकन बिरयानी आ गई है, सही है। चिकन बिरयानी अच्छी है। मैं पहले बाय द वे कैफे इमरान की बिरयानी खा चुका हूँ, और ये जो है ना भाई चिकन कढ़ाई है, ठीक है। ये भाई खाना अच्छा हो रहा है। इस वक्त हम लोग किचन में हैं, खाना खा लिया है, लेकिन एक चीज अभी भी बाकी है। बताओ क्या है बेगम? जूस। मैं एक घूंट पीऊंगा, बाकी मैं बेगम को दे दूंगा पूरा, सही है। कौन सा पीऊंगा ये देखते हैं जरा। हैं कहाँ गए? हैं कहाँ गए कहाँ गए? अरे दिल की धड़कन तेज हो गई थी, अभी कहाँ गए? ओए होए जूस ही जूस, जूस ही जूस, जूस ही जूस। और आपके भाई का फेवरेट कौन सा है? कौन सा है कौन सा है कौन सा है? रानी मैंगो। ये चेक करें भाई, रानी मैंगो। अच्छा ये ईरानी नहीं है, ये दुबई वाला है, सही। ईरानी वाले में इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन दुबई वाला बड़ा वीआईपी होता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मुझे ऐसे लग रहा है मैं दुबई में हूँ अभी, कहीं बुर्जुमान के आसपास कहीं घूम रहा हूँ और वहीं पर जो है ना ये जूस पी रहा हूँ। ये देखें बच्चा कितना डिसिप्लिन वाला है, इंतजार में बैठ गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ो। ये ले बेटा पिए और बताएं कैसा है। अब यहाँ पे जो है ना इंतजार करने वालों की लाइन लगी हुई है, बेगम भी है, इसके बाद बहन भी है। ये ले भाई शेयर करें सब, बल्कि और निकाल लेना रानी, और पढ़े। क्या है इसमें? मैंगो। अब जो है ना हम ये कुछ कैन उठा लिए, जरा पिलाते हैं सबको, सही है। अभी सब ठंडी हवा खा रहे हैं, यहाँ पे माहौल सुकून वाला है यहाँ पे बहुत। चलिए मैं अब्दुल कबीर को मैंने सुला दिया है फाइनली, सही है। वो देखें भाई सो गया अब्दुल कबीर। चले भाई रात में बचपन की यादें ताज़ा कर रहे हैं हम लोग। बराबर वाले झूले पे बेगम बैठी हुई है और इस वाले झूले में मैं बैठा हूँ। कौन तेज़ खा रहा है? हाँ मैं तेज़ खा रहा हूँ भाई, इस झूले का मजा अपना ही है। भाभी तेज खा रही है। अच्छा ये अब मुस्तफा। रात के 12 बज रहे हैं, कोई स्नूकर पे और गेम खेल रहा है, वालदा यहाँ पे बैठी हुई हैं, बहनें पीछे बैठी हुई हैं, वाइफ मोहम्मद अहमद को सुलाने गई है और हुरैरा मेरे साथ बैठा हुआ है। हुरैरा मज़ा आया फार्म हाउस पे आपको? तो भाई मुझे ही बड़ा मज़ा आया, और घर वाले अभी वालिद साहब भी बता रहे थे कि यार फार्म हाउस बड़ा अच्छा, साफ़ सुथरा, बेहतरीन, बिल्कुल मतलब सबको जो है ना मज़ा आ गया, बेहतरीन है भाई ये रॉयल फार्म्स एंड कंट्री साइड रिजॉर्ट, सही है। तो अक्सर लोग पूछते हैं कि भाई आप इसकी लोकेशन, तो मैं इंशाल्लाह जो है ना इसकी लोकेशन डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, ठीक है। तो बाकी इसके अलावा ये है कि होपफुली आज की वीडियो आप लोगों ने इन्जॉय की होगी, भाई के चैनल को सपोर्ट करें, सब्सक्राइब करें। आज जो हमारी आउटडोर एक्टिविटीज़ थी वो सारी रह गई, क्योंकि हम तो जो है ना भाई स्विमिंग पूल के अंदर ही लेट हो गए थे, ठीक है। तो अब वो सारी एक्टिविटीज़ कल करेंगे, तो आपने कुछ भी मिस नहीं करना, अभी वीकेंड चल रहा है और आप लोग भी हमारे साथ ही हैं, ठीक है। चलें भाई अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं कल इंशाल्लाह। अस्सलामुअलैकुम।